हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। वन वर्ड में आपका स्वागत है। मेरा नाम वैभव है और आज का हमारा वर्ड ऑफ द डे है डिल्यूजन। तो आइए सबसे पहले हम सीखते हैं इस वर्ड को प्रोनाउंस कैसे करना है। तो हम बोलेंगे डिल्यूजन। मेरे साथ रिपीट करिए, डिल्यूजन। डिल्यूजन का हिंदी में मतलब होता है भ्रम या फिर गलत फहमी। तो डिल्यूजन से मिलता जुलता वर्ड है इल्यूजन। तो दोनों में अंतर होता है, तो आज मैं आपको बता रहा हूँ दोनों में अंतर क्या हो। दोनों एक दूसरे जैसे ही लगते हैं, दोनों एक दूसरे के सिनोनिम हैं, बट दोनों में कुछ डिफरेंस होता है। तो इल्यूजन में क्या होता है कि इल्यूजन में आप चीज़ों को अलग पर्सपेक्टिव में देखते हो, ये आपकी चीज़ों को देखने से जुड़ा होता है। जबकि डिल्यूजन में आप अपनी खुद के विश्वास या फिर अपने खुद के भरोसे की वजह से अपने आप को मूर्ख बना रहे होते हो। तो जैसे कि मान लीजिए कोई मैजिशियन है, वो आपको जादू दिखा रहा है, तो आपको पता होता है कि वो आपको कुछ और दिखा रहा है जबकि आप कुछ और देख रहे हो, तो वो हुआ इल्यूज़न। डिल्यूज़न होता है कि आप सोच रहे हो कि आपको इस साल जॉब में प्रमोशन मिल जाएंगे, लेकिन आपने अच्छा परफॉर्मेंस नहीं किया तो आपको नहीं मिलेगा, तो वो क्या हुआ, एक तरह का डिल्यूज़न हुआ। तो चलिए अब हम एग्ज़ाम्पल में समझते हैं डिल्यूज़न को हमको सेंटेंस में कैसे यूज़ करना है। तो हम बोल सकते हैं जैसे कि आई वॉज अंडर द डिल्यूज़न दैट ही इंटेंटेड टू मैरी मी। मैं इस गलत फहमी में थी कि उसकी मेरे से शादी करने की इच्छा है। तो यहाँ हमने देखा डिल्यूज़न वर्ड का हमने सेंटेंस में कैसे यूज़ किया। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए और हमारे चैनल वन वर्ड को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।